स्वागत है दोस्तों आप सभी का गोल अचीवर्स के इस YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे वीडियोस फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे सारे वीडियोस वॉच कर लें। यदि आपको लगता है कि बंदा कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आप सभी की हमें प्रेरित करती है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए और नई नई जानकारी आप सभी के सामने लाने के लिए, और हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप सभी ने हमें कमेंट्स की थी वीडियोस के नीचे, उन सभी का रिप्लाई हम आज इस वीडियो में देंगे। यदि आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो तो कुछ दिनों में आपका कमेंट्स का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे और आपको वीडियो के जरिए पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जो भी कमेंट्स आप सभी ने हमें की होगी तो उसके जो वीडियो के मीन्स जो कमेंट का जो आपने की है हमें, उसका जो हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन यदि आपको पाना है तो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको डायरेक्टली हमारा वीडियोस मिल जाए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कमेंट करते हो तो आपके पास डायरेक्टली हमारा वीडियोस नहीं आ पाता। बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में जो कि किए हमें बिजॉय चक्रवर्ती ने। इनका कहना है कि ब्रो मेरे आधार कार्ड पे डैड का नाम अलग है और सर्टिफिकेट्स पे नाम अलग है, तो भाई आप एक काम करें, आपकी जो आधार कार्ड है उस पे आपके पिताजी का नाम आप चेंज करा लें। रैली जब आपकी ओपन रैली कंडक्ट होगी और यदि आप फिजिकल सब सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो, फिजिकल क्रैक करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसमें आप सभी का नाम पूरा मैच होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे तकलीफ झेलनी पड़ सकती है यदि नाम मैच नहीं होता तो। इसलिए आप अभी से तैयारी आप कर लें, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम आप ठीक कर लें। सेकेंड कमेंट जो हमें की है पूजा गुप्ता ने, इनका कहना है कि सर क्या जनरल कास्ट वालों को भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है क्या? हाँ, आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, चाहे मैन हो या वुमेन हो। मीन्स आप तो ओपन रैली देख नहीं सकते हैं, जो पूजा गुप्ता जी आप तो देख नहीं सकते ओपन रैली, तो आप खाली ऑफिशियल लेवल की जो वैकेंसीज होती है वह देख सकते हैं। तो उसमें लास्ट में आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को जमा करना होगा, तो आप अभी से बनवा लें। और जो ओपन रैली जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि अभी तैयारी का आप करा लें और अभी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में अभी आने लग गया है कास्ट सर्टिफिकेट्स। थर्ड कमेंट जो हमें की है वह की है शैलेश यादव ने। इनका कहना है कि मेरा जाति और मेरा निवास जो मीन्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो क्या होगा? डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है रैली में से, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होती तो। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी के पास नहीं होती तो आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके बनवा लें, और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले कई ऐसी मशक्कत कराते हैं हमसे, क्योंकि हम दूसरे स्टेट से आए हुए थे, माइग्रेशन करके आए हुए थे, और मीन्स एक लोकल वहाँ के होते नहीं है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक काम करें, काफ़ी प्राइवेट सेक्टर्स वाले भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स वाले से आप बनवा लें, जो कि आपसे 2000 या 3000 रुपीज़ कुछ चार्ज लेंगे। तो दोस्तों आप सपनों के साथ एक पैसे से कंप्रोमाइज़ ना करें कि हाँ मेरा 2000 रुपीज़ ले रहे हैं। दोस्तों वो आप 2000 रुपीज़ दे के आप इतनी तैयारी करें कि आप एक टाइम पर भर्ती हो जाएं। जो कि हमें सोमन पांडे ने, इनका कहना है कि भाई मेरे यह पूछना चाहता हूँ कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती आती है वो साल में कितनी बार आती है? और दोस्तों जो आप सभी को बताना चाहूँगा, जो आपकी वैकेंसीज होती हैं इंडियन एयरफोर्स की, ऑल इंडिया जो वैकेंसी निकलती है दो बार आती है, और आपकी जो ओपन रैली होती है आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज वो साल में एक बार आती है। मींस डायरेक्टली आपको तीन ऐसे मौके मिलते हैं भर्ती होने के, और आप सभी को उसका फ़ायदा उठाना है। नोटिफिकेशन तो मैं बता दूंगा कि आपकी भर्ती कब आएगी तो वो तो हम आपको बता देंगे, पर आपका थोड़ा सा तैयारी तो आपको करनी होगी, और थोड़ी सी टिप्स हम आप सभी को देते रहेंगे। और जो आर्मी की भर्ती होती है साल में एक बार आती है और एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती आपकी भर्ती। और जो टेरिटरियल आर्मी की भर्ती होती है वह साल में दो या तीन बार आप सभी की आ जाती है जोनल वाइज। बात करते हैं फिफ्थ कमेंट के बारे में जो कि हमें नीरज ने। इनका कहना है कि सर कोई ऐसी मेडिसिन बता दो जिसमें रनिंग करते टाइम हमारा दिल ना घबराए। दोस्तों जो दिल घबराता है ये तो हर किसी के साथ होता है जब हम तैयारी करते हैं, तो आप सभी को इसकी जो समस्या है तो क्या करें, आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, अपने से जो सीनियर बंदे हैं उनके साथ आप रनिंग करें, और ऐसी प्रैक्टिस करें कि एक दिन आप उन्हें टक्कर दे दें। जिस दिन आप उन्हें टक्कर देने लगोगे आपके अंदर जो घबराने की जो आप घबराते हो दिल में जो डर है वह दिन ब दिन आप सभी का निकलता रहेगा। इसलिए आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, और कुछ दिनों में मैं आप सभी के लिए नए नए वीडियोज़ डालूंगा कि यदि दिल घबराता है या आप डर लगता है तो क्या करें, और कई सारे बंदों के हाथों में कंपन होती है, पहले सांस फूलने लग जाती है, तो सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो जाएंगे, और किस प्रकार आप मेहनत करें और किस प्रकार आप भारतीय सेना ज्वाइन करें उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी के सामने वीडियोस लाते रहूंगा। और इसी प्रकार आप हमें कमेंट करते रहिएगा और एक ना एक दिन हम आप सभी को रिप्लाई देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।